पृथ्वी की नदियों में उत्तम गंगा धाम कहें से सच्चा ज्ञान मिलन की खातर ऋग्वेद श्याम कहें से ऋग्वेद श्याम कहें से अरे पृथ्वी की नदियों में उत्तम गंगा धाम कहें से सच्चा ज्ञान मिलन की खातर ऋग्वेद श्याम कहें से ऋग्वेद श्याम कहें से। वेदों में परमेश्वरी जल को अम्भो जल कहते हैं, चंद्रमा में सरद जमा जिन सरदा जल लेते हैं। वीर गति से देखे तो जल शरीरों में ही रहते हैं, खान पान स्नान ध्यान को आपा ही जल बहते हैं। भाई सर्व व्यापक और सर्व गति ने वेद तमाम कहें से सच्चा ज्ञान मिलन की खतर ऋग्वेद श्याम कहें से ऋग्वेद श्याम कहें से। भाई पृथ्वी की नदियों में उत्तम गंगा धाम कहें से सच्चा ज्ञान मिलन की खतर ऋग्वेद श्याम कहें से ऋग्वेद श्याम कहें से। ये गंगा जल भी अम्भो जल के अंग में से ही आता है, और सब नदी मिलके एक जगह पे न्यू गंगे माता है। सूर्य देवता अपनी किरणों से समुद्र से ठाता है, फिर बाप रूप बन अम्भो जल में ठीक चला जाता है। जो इसमें मिलके जीव चला जा मोक्ष मुकाम कहें से सच्चा ज्ञान मिलन की खतर ऋग्वेद श्याम कहें से ऋग्वेद श्याम कहें से। भाई पृथ्वी की नदियों में उत्तम गंगा धाम कहें से सच्चा ज्ञान मिलन की खतर ऋग्वेद श्याम कहें से ऋग्वेद श्याम कहें से। भीष्म जी ने एक दिन देखा बाण सैया पे सोके, गंगा जी का रचा चरित्र निर्मल चित से होके, सगड़ का कुटुम मोक्ष कर दीना दाग पाप सब धोके, पतिते पावन तरण तारणी भेद समझ लियो टोके, गुरु गायत्री कैसा फल हो से न्यू गंगे धाम कहें से सच्चा ज्ञान मिलन की रखातर ऋग्वेद श्याम कहें से ऋग्वेद श्याम कहें से। दिक ज्ञानी मनुष्य रटे हर गंगा मूरख न हल चल से, आयुर्वेद के परमाणु में गंगा जी निर्मल से। सूर्य बिना पांच तत्वों का सिद्ध करना निष्फल से, पर सूर्य का भी प्रकाश वेद में बताया अम्भो जल से। और लक्ष्मी चंद जर्रे जर्रे में रमणे से राम कहें से सच्चा ज्ञान मिलन की खतर ऋग्वेद श्याम कहें से ऋग्वेद श्याम कहें से।